हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के लिए चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एक्सरसाइज 13.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है ये 8, जिसमें थोड़ा सा ये अलग आ गया। हमें कंपेयर करना है, तो इसमें कोई एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम, उसको दिमाग में अच्छे से रखिएगा और उसी से ही आप इसको कंपेयर भी कर पाएंगे। नहीं तो सामने ऐसे देखने पर हम नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। 3 लिख रखा है, 300 लिख रखा है तो बता देते हैं 300 बिगर वैल्यू है। 3 लिख रखा है, -300 लिख रखा है तो बता देते हैं कि 3 बिगर वैल्यू है। इसमें हमें दोनों ही पॉजिटिव नंबर है लेकिन पावर के रूप में है, तो हमारी जो ट्रिक होगी वो ये होगी कि हम एक्सपोनेंट 10 की सेम कर लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी। तो चलिए करते हैं। टू पॉइंट सेवन इंटू 10^12, तो दोनों में बड़ी पावर कौन सी है? 12, तो हम छोटी पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 को 8 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे होगा ये? 2.7 10^4 10^8, मतलब 8 में कन्वर्ट करना था तो 12 में से 8 माइनस किया 4, तो 4 मैंने यहाँ पे कर दिया तो 8 में कन्वर्ट होगी ना। और 10^4 का मतलब है 10,000, यानी कि 40, तो डेसिमल 4 जंप करेगा इधर, एक डिजिट जंप कर गया 1, 2, 3, 4, 27,000। अगेन हमने क्या किया, 12 है, हमने इसको 8 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें 8 चाहिए था। 10^12 और 10^8 में 8 वैल्यू छोटी है, 8 को 12 में कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी, इसको इसमें कन्वर्ट करने में ठीक है, तो आप यही चीज़ कीजिए। और अगर वैसे करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर क्या किया, 8 में कन्वर्ट करके क्या बचा, 12 में से 8 को माइनस किया 4, तो वापसी अगर इसको सोल्व करें तो हमें वापसी 12 ही मिल जाएगी। 8 को रखे रखा और इसको सोल्व कर दिया तो ये क्या हुआ, 4 डिजिट डेसिमल जंप करेगा, 1, 2, 3, 4, ये आ गया। अब नेक्स्ट 1.5 इंटू 10^8, अब बताइए आप, ये भी 10^8 है, ये भी 10^8 है, कौन बिगर है दोनों में? लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 27,000 है और यहाँ पे 1.5 है। क्लियरली इसे नाम दिया 1, इसे नाम दिया 2। From 1 and 2, ये greater है 1.5 into 10^8 से, right? Good. अच्छा, दूसरा तरीका जो मैं कह रहा था, अब आप खुद ही मना कर देंगे उसके लिए। 2.7 into 10^12 को वैसे का वैसे ही रहने दिया, ठीक है, और 1.5 10^8 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 प्लस करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, एक -4 से मल्टीप्लाई और +4 से मल्टीप्लाई, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, ये जो है दोनों आपस में कट जाएगी। मतलब 10,000 से हमने मल्टीप्लाई किया, 10,000 से डिवाइड किया, ये नीचे जा करके डिवाइड ही होना है, तो इससे तो बन जाएगा 12। 1.5 इंटू 10^4 का मतलब हुआ 10,000 डिवाइड में 10^12, तो अब डेसिमल कहाँ जंप करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जंप करेगा 5, एक डिजिट ये होगी 1 और 3 डिजिट और चाहिए, क्योंकि 4 जीरो है ना, 1, 2, 3 10^12। अब ये 2.7 इंटू 10^12 है और ये 0.00015 10^12 है, तो ये छोटी वैल्यू हुई ना फिर, क्लियरली, तो इसको हम लिख सकते हैं, फिर इसको लिखा 1 और इसको लिखा 2
और ये वाली जो चीज़ है ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो आप ऐसा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं तो इसको ऐसे ही करता हूँ कि भाई आप बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करो पावर में, और आप कर सकते हैं, दिमाग तेज है आपका तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ऐसे ही दिमाग तेज रखिए, लेकिन गलतियों का जरूर ध्यान दीजिएगा, ओके। दोनों में बड़ी वैल्यू है 17, तो मैं इसको बदलूँगा, इसको वैसे का वैसा ही रहने दिया। 3 × 10⁻¹⁷, 14 बनाने के लिए 17 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 14, 10⁻³ का मतलब है 1000, 1000 मल्टीप्लाई 3, 3000, और हमें मिल गया ये, इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, फ्रॉम 1 और 2, 4 × 10⁻¹⁴, 4 और 3000 में कौन बिगर वैल्यू है, ये एग्जैक्टली। तो फिर क्या हुआ, स्मॉलर है 3 × 10⁻¹⁷ से, ये कंपैरिजन हमने कर लिया, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। तो इसको अच्छे से देखिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।